अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें हंसते खाते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी चिकन रोल, चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन वेजिटेबल रोल, जो बनाना बहुत आसान है, खाने में ज़बरदस्त टेस्टी, बनाना बहुत आसान और कम मसालों से बनाऊंगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, मिस ना करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हमने गाजर लिए, गाजर को हम बीच में से कट करेंगे और इस तरह से बीच में से पतले पतले स्लाइस से कटिंग कर लेंगे, हमें काटने में आसानी होगी। पतले पतले कटिंग करेंगे तो देखें इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अब ले लेते हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के डंठल तोड़ देते हैं और अंदर का जितना भी है ना इसको खाली कर देते हैं। इसको भी हम गाजर की तरह पतले पतले स्लाइस काटेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से, देख लें आप। अब ले लेते हैं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी पतले पतले लंबी लंबी स्लाइस काटेंगे इस तरीके से। अब ले लेते हैं चिकन जो हमने बॉईल कर लिया है नमक डालकर, तो इसको हम करेंगे एकदम कीमे की तरह कर लेंगे महीन सा। तो देखें, ये तो हाथ से तोड़ लें आप या छुरी की मदद से कटिंग कर लें इस तरीके से। तो देखें चूल्हा ऑन करेंगे, चूल्हे पे बड़ा बड़ी कढ़ाई रखेंगे और एक बटर लेंगे, 4-5 चम्मच हमने बटर लिया है, थोड़ा इसे पिघला लेंगे। अब ले लेते हैं प्याज और बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, देखिए बिल्कुल बारीक बारीक। अब ले लेते हैं लहसुन, लहसुन की कलियाँ हैं 7-8 कलियाँ हैं, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। लहसुन को प्याज को दोनों को साथ कर ऐड कर देंगे और 7-8 हमने हरी मिर्च ली है, बारीक बारीक कटिंग कर ली है। साथ ही हम शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, इस सब हम सब्जी ऐड कर देंगे मक्खन के साथ साथ और बहुत अच्छा बहुत अच्छी खुशबू आएगी बटर के साथ में। और सारी सब्जी को पकाएंगे हम और थोड़ा अलट पलट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। अब ले लेते हैं ज़ीरा, जो बारीक पाउडर बना हुआ है, थोड़ा सा हमने इसे क्रश कर लिया हाथों से। और ले लिए हमने दखनी मिर्चें, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, हमने दखनी मिर्च का पाउडर लिया है 1-1.5 चम्मच ले लें और इसमें सब्जियों में डाल दें और पका लें, खूब अच्छे से पका लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बटर के साथ में। ज़्यादा स्पाइसी पर रखनी है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च ले लें, ज़्यादा दखनी मिर्च ले लें, और कम स्पाइसी रखनी है तो उसी हिसाब से लें। अब साथ साथ ही हम थोड़ी देर के बाद हमने जब सब्जी दम में आ जाए तभी हम चिकन डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और फिर से इसे पका लेंगे। कम से कम हमें इसे 10 मिनट पकाना है, खूब अच्छे से पक चुका है। अब हमने एक साइड में रख देंगे। चिकन स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं। देखिए मैंने ले लिया है मैदा, मैदा से बनाएंगे हम चिकन स्प्रिंग रोल। अब हमने ले लिया है इसमें 2 अंडे ले लिए हैं, तो मैंने इसमें 2 अंडे आपको दिखाए पर मैंने 1 अंडा और ले लिया था, 3 अंडे मैंने इसमें ऐड करे हैं और नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के लिए। और 2 प्याली मैंने मैदा लिया है और पानी के साथ हम ऐड कर देंगे और एकदम पतला सा बारीक सा पेस्ट बनाएंगे हम, देखें इस तरह से। और अभी हमें और पतला करना है, खूब अच्छे से पतला कर लें तभी हमारी बारीक बिल्कुल बारीक बारीक रोटियाँ बनेंगी। ये देखें कितना पतला है, एकदम जितना बारीक हम घोल बनाएंगे ना उतनी बारीक हमारी पतली सी रोटियां बनेंगी, तो रोल बनाने में हमें आसान होगा। तो हमने एक कढ़ाई में रख लिया है, कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और स्प्रिंग रोल आटा हमने उसमें ठीक नहीं बना था तो हमने दूसरा पैन ले लिया, इस तरीके का पैन ले लें आप, बहुत अच्छा बनेगा और चिपकेगी भी नहीं हमारा मैदा इसमें। और पतली पतली ये देखें कितनी पतली पतली बन गई है रोटियाँ, थोड़ा चिपके ना तो हमने चिपकेगा नहीं, थोड़ा 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 हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो डस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ी मैदा डस्ट कर दें, उससे भी नहीं चिपकेगा। तो देखें मैंने दूसरा भी बना ली है रोटी पतली पतली सी, तो इतनी सारी मैंने बना के दिखा दी हैं, देखें तैयार कर ली हैं। अब इसकी फिलिंग जो हमने तैयार करी थी ना वो भर लेते हैं इसमें। तो मैं आपको ये बना के दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा कैमरा गिर चुका था,
आप बस ऐसे ही देख सकते हैं। तो देखिए जो मैंने फिलिंग्स बनाई थी ना, तो मैं भरते दोनों, सबसे पहले हम दोनों साइडें फोल्ड करेंगे, फिर बीच में से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद गरम ऑयल में हम छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने आपको दूसरा ही बना के दिखाया था, चिपकाने के लिए हम जो हमने घोल बनाया था ना, वही घोल हम चिपका देंगे इसमें। और इस तरीके से हम गरम गरम ऑयल में सारे रोल ऐड कर देंगे और क्रंच होने का थोड़ी तैयार इंतज़ार करेंगे, और गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसमें से निकाल लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल वेजिटेबल तैयार करके मैंने आपको दिखाया है। आपसे उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़। जो भाई जो बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी को थैंक्स बोलती हूँ। आप मेरी वीडियो को रोज़ाना फुल वॉच किया करें, इससे मुझे खुशी मिलती है। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें। एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तो देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, कितने खूबसूरत से माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेस्टी, घर में मेरे सभी को पसंद आए थे ये स्प्रिंग रोल, सभी को बना के मैंने खिलाए थे, सभी खुश हुए थे। बहुत आसानी से छोटे मोटे पार्टी के लिए घर में इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी भी है ये। आप चाहे तो आटे से ही बना सकते हैं, मैंने मैदे से बनाया है। तो एक अच्छी सी न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल पर आप नई नई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाएँ और फुल वॉच करें वीडियो को।